हेलो एवरीवन, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका सैलरी पैकेज क्या होता है एम्स दिल्ली के अंदर, क्या आपकी कितनी छुट्टी आपको मिलती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको एम्स प्रोवाइड करवाता है, कितने एटीट्यूड पैकेज देता है, कितने साल में देता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सैलरी पैकेज क्या है, तो सैलरी पैकेज आपको ये देखना है कि हमारी जो सैलरी पैकेज होता है वो 45,999 से शुरू होता है। ये तो हमारा बेसिक पे होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर डीए, एचआरए, नर्सिंग अलाउंसेस मिला मिलू के हमारी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग वो 80K तक पहुँचती है, मतलब कि 80,000 तक हमारी सैलरी होती है, फर्स्ट सैलरी जो होती है। आप कुछ लोगों को सवाल ये होता है कि सर हमारे ज्वाइन करते ही हमारी सैलरी तुरंत मिल जाती है। नहीं, आपके ज्वाइन करते ही आपकी सैलरी आपको 3 महीने के बाद मिलती है। 3 महीने की जब सैलरी आती है, आपकी पूरी क्रेडिट होती है, तो आपको बहुत खुशी होगी उस चीज़ की कि आपके जब ढाई से तीन लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं एक साथ, तो ये खुशी तो फिर अलग ही होती है कि एक साथ आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए देखने को मिल जाते हैं। तो वो खुशी आपको जाया नहीं कर पाते हो। जब मुझे भी मेरी सैलरी पहले मिली थी 2.5 लाख रुपए की, तो मैं भी मतलब कि ऐसे शौक था और बहुत खुश था उस दिन। अब हम बात करेंगे ईएल के बारे में कि ईएल क्या है, सीएल क्या है, मेडिकल लीव क्या है। अब हम लीव्स के बारे में बात करेंगे कि ईएल जो होती है बच्चों, जो आपकी अर्न लीव होती है, वो आप उनसे पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एम्स का कार्यकाल होता है, हमारा पूरा जो टाइम पीरियड होता है एम्स में नौकरी करने का, उसके अंतर्गत हम 300 ईएल तक इकट्ठी कर सकते हैं। 300 ईएल कभी भी, मतलब अपने पूरे कार्यकाल के अंदर आप 300 ईएल इकट्ठी कर लो और उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब ये कंडीशन में अगर आपको बीच में लेनी है तो आप बीच में भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो 300 ईएल हर बंदा इकट्ठा करता है, क्योंकि 10 से 15 लाख रुपए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की इनकम इससे क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब मैं बात करता हूँ सीएल की। सीएल जो होती है, सीएल का मतलब होता है कैजुअल्टी लीव। कैजुअल्टी लीव का मतलब होता है किसी भी इमरजेंसी में ली गई लीव को हम क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं। तो ये जो होती है वो 10 मिलती है। मैंने आपको बताया कि 10 सीएल जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स का मतलब क्या है कि वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपने साल भर के अंदर उन लीव को नहीं लिया, उन छुट्टियों को नहीं लिया, तो आपकी जो सीएल होती हैं, वो आपकी छुट्टियां होती हैं, वो आपकी खत्म हो जाएंगी, वो नेक्स्ट ईयर में काउंट नहीं होंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल की कि मेडिकल आपके पास कितने होते हैं। मेडिकल की बात करता हूँ तो एक साल में आपके पास 15 मेडिकल अवेलेबल होते हैं, फुल मेडिकल। फुल मेडिकल का मतलब होता है कि पूरा दिन का मेडिकल आपके पास अवेलेबल होता है 15, जो कि गवर्नमेंट से आपको बनवाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का है तो आपको क्या होता है, बेनिफिट मिल जाता है कि मेडिकल की जगह मेडिकल कटेगा। अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर से आपने लिया हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपकी अर्न लीव कट जाती है। इसीलिए आपको कभी भी मेडिकल बनवाने की जब कोशिश जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट से ही बनवाना होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको मंथली ऑफ कितने मिलते हैं। मंथली ऑफ का मतलब कि एक महीने में कितने ऑफ आपको मिल जाते हैं। एक महीने में आपको 8 ऑफ मिलते हैं। कितने ऑफ मिलते हैं, 8 ऑफ मिलते हैं। मतलब कि 30 दिन की नौकरी होती है, जिसमें से 8 ऑफ तो आपको मिल गए, बचे कितने दिन, आपके 22 दिन की ड्यूटी आपको करनी होती है। अब 22 दिन की ड्यूटीज कैसे कैसे अरेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वॉट टू वॉट डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी 22 दिन के अंदर 6 नाइट आनी होती है। 6 नाइट इज अ कंपल्सरी, 6 से ज्यादा कोई नहीं करवाता, 6 ही हमें करनी होती है। 6 से कम भी नहीं हो सकती और ज्यादा भी नहीं हो सकती। ज्यादा हो सकती है अगर स्टाफ नहीं है हमारे पास, और स्टाफ ज्यादा है तो वो कम भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू स्टाफ होता है। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग फंडा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि 6 नाइट आपने कर ली, बची कितनी है आपके पास, 16। आप 16 को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं ये लोग कि आपकी आधा दिन तो मॉर्निंग लगा देंगे, आधा दिन आपकी इवनिंग लगा देंगे। मतलब कि 6-6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है इवनिंग और मॉर्निंग। मॉर्निंग और इवनिंग आपकी 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है, बाकी आपकी बची जो 6 नाइट होती है वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 12 घंटे का मतलब होता है कि आप शाम को 8 बजे पहुंचना होता है और सुबह आपको 8 बजे रिलीव बोलो कर देते हैं। तो ये आपका टाइम पीरियड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी सालाना छुट्टियां कितनी हुई, तो आप कैसे काउंट करके बताओगे कितनी छुट्टियां हमें मिल जाती हैं पूरे साल भर के पीरियड में, कितने दिन होते हैं। एक आप अंदाजा लगाओ कि कितने दिन होते हैं एक साल के पीरियड में। एक साल के पीरियड में हमारे 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से हमारे 8
तो हमें क्या मिल रहे हैं, मंथली ऑफ मिल रहे हैं, 8 का मतलब 12 अंटे 96, तो मतलब 96 ऑफ तो हमें ये मिल गए। प्लस मैंने आपको बताया कि 30 हमें ईएल मिलती हैं, तो 96 प्लस 30 कितने हुए, 126 हमारे ऑफ हो गए, प्लस 10 सीएल बताई मैंने आपको, 136 हमारी सीएल हो गई, और 15 मैंने आपको मेडिकल बताए, तो कितने हमारे हो गए टोटल के टोटल 151 हमारी छुट्टियां हो गई हैं एक साल के अंदर। गाइस बहुत सारी छुट्टियां होती हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के पास, बहुत सारी होती हैं, 365 दिन में से आपको 150 दिन मतलब कि 151 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, बाकी के बचे दिन आपको काम करना होता है, दैट्स इट। तो नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत अच्छी जॉब है, आपकी 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आप कुछ भी करो ये आपने ऊपर डिपेंड करता है, और छुट्टियां तो उसमें भरमार है, आपको हर 3 दिन में एक छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि 8 ऑफ उसी हिसाब से अरेंज करने होते हैं, तो आपकी 3 दिन में एक छुट्टी बन जाती है, तो ये तो मजे वाली बात है एकदम। अब मैं आपसे फैसिलिटीज की बात करता हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको एम्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करवाता हूँ कि एक ईएचएस फैसिलिटी होती है, ईएचएस का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम का मतलब क्या है कि आपको एम्स प्रोवाइड करवाता है आपकी पूरी फैमिली को फ्री इलाज करवाना, ये पूरी फैमिली का आपका फ्री इलाज करेगा, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, पूरी फैमिली का आपका जो इलाज होगा जीवन भर तक का वो आपको फ्री होगा। ईएचएस के अंदर आप लोग आ जाते हो, कोई भी महंगी से महंगी दवाई, कोई भी महंगी से महंगा इंजेक्शन, कोई भी महंगी से महंगी जांच आप फ्री करवा सकते हो। आप ईएचएस के अंदर आते हो, सारे नर्सिंग ऑफिसर जो एम्स में काम करते हैं वो सारे ईएचएस के अंदर आते हैं। ईएचएस का मतलब मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम होती है, जिसमें आपके पूरे परिवार का फ्री इलाज होता है, कितने भी महंगे से महंगा इंजेक्शन, कितने भी महंगे से महंगी दवाई, कितने भी महंगे से महंगा जांच आप फ्री करवा सकते हो इसके अंदर। अब मैं बात करूंगा कि ट्रैवल अलाउंसेस क्या होते हैं। ट्रैवल अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि 4 साल के अंदर ये एम्स जो होता है आपको एक टूर पैकेज देता है। टूर पैकेज का मतलब क्या है कि जैसे आपको कश्मीर घूमना है तो आपके फ्लाइट के आने जाने की टिकट्स वो करवा देगा आपकी फैमिली के लिए। अब जो भी बंदा एचएस के अंदर ऐड होता है उसके लिए वो क्या करवाता है, आने जाने की टिकट्स प्रोवाइड करवा देता है। ये बहुत बेनिफिट है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है।